हेलो गाइज, वेलकम बैक ऑन फोमा एजुकेशनल हब। इस वीडियो से पहले हम लोगों ने जो लेक्चर्स पढ़े हैं उसके अंदर हम लोगों ने यूनिट नंबर फर्स्ट के ऑलमोस्ट सारे थ्योरी कवर कर ली है। अभी मैं कुछ न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा। देखो, यूनिट नंबर फर्स्ट में यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान और राजस्थान यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस को जो फॉलो करने वाली यूनिवर्सिटीज़ है, लाइक शेखावटी यूनिवर्सिटी, मत्स्य यूनिवर्सिटी या महाराजा सूरजमल यूनिवर्सिटी, इन यूनिवर्सिटीज़ राजस्थान को फॉलो करती है, राजस्थान यूनिवर्सिटी को। और राजस्थान यूनिवर्सिटी के हिसाब से यूनिट नंबर फर्स्ट में तीन चैप्टर है, और तीन चैप्टर हो गए हमारे। उन तीनों चैप्टर्स की न्यूमेरिकल की बात करूँ तो फर्स्ट चैप्टर के न्यूमेरिकल मैंने करवाए थे, अभी थर्ड चैप्टर के न्यूमेरिकल करवाऊंगा, फिर कुछ सेकंड चैप्टर के न्यूमेरिकल करवाऊंगा। और आपके बीएससी के एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा नहीं आते हैं, लेकिन जितना रिक्वायरमेंट है उतना मैं करवा रहा हूँ, ठीक है। तो हम लोगों ने कुछ न्यूमेरिकल फर्स्ट चैप्टर के तो पहले करे थे, अभी मैं थर्ड चैप्टर के न्यूमेरिकल्स के लिए बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखो, थर्ड चैप्टर्स में न्यूमेरिकल से अगर रिलेटेड बात करूँ, मैं न्यूमेरिकल की बात कर रहा हूँ, न्यूमेरिकल, तो कुछ फॉर्मूले हैं जो हम लोगों ने पढ़े हैं थ्रू आउट दी सिलेबस, थ्रू आउट दी थर्ड चैप्टर। तो कुछ जैसे न्यूमेरिकल की बात करूँ, टोटल एनर्जी के बारे में पढ़ा, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, एक तो ये पढ़ा। एक कर्ल जो होता है, कर्ल ऑफ फोर्स जैसे, वो होता है डेल क्रॉस एफ, है ना। और कर्ल जो होता है संरक्षी बलों के लिए जीरो होता है ना, कर्ल का वैल्यू जो संरक्षी बल होते हैं वो जीरो होता है फॉर कंजर्वेटिव फोर्स, फॉर कंजर्वेटिव फोर्स संरक्षी बल के लिए अगर जीरो नहीं है तो वो संरक्षी बल नहीं होगा, ठीक है ना, ये होता है। इसके अलावा भी कुछ फॉर्मूले पढ़े हैं, देखे जैसे एफ वेक्टर इक्वल्स टू होता है माइनस डेल वेक्टर डॉट यू, कंजर्वेटिव फोर्स के लिए ये भी होता है ये। और डेल जो होता है उसका मतलब होता है ग्रेडियंट, प्रवणता बोलते हैं इसको, है ना। और ये इसका मतलब हो गया कि यू का जो नेगेटिव ग्रेडियंट है, यू मतलब पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा की ऋणात्मक प्रवणता की दर बल के बराबर, ऋणात्मक प्रवणता बल के बराबर होता है, ये हमने पढ़ा था, ठीक है। ये कुछ फॉर्मूले थे हमने जो पढ़े हैं इस चैप्टर के में, जो न्यूमेरिकल्स में काम आएंगे, और भी कुछ आएंगे तो मैं बता दूंगा, लेकिन ये अभी आप ये छाप सकते हो। अब मैं कुछ न्यूमेरिकल्स की बात करता हूँ, ठीक है। तो अगर न्यूमेरिकल की बात करूँ तो चलो न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं हम लोग। जैसे ये एक न्यूमेरिकल करवा रहा हूँ, जिस टाइप के न्यूमेरिकल आपके सिलेबस में आते हैं उसी टाइप के करवाऊंगा। ऐसे तो होने को तो इस चैप्टर से रिलेटेड हज़ारों न्यूमेरिकल बनते हैं, आप जेम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें से एंट्रेंस के हिसाब से फोकस करोगे तो अलग टाइप से न्यूमेरिकल बनते हैं, लेकिन फिलहाल अभी इसी बात करेंगे। तो देखो, सिद्ध कीजिए कि बल एफ संरक्षी बल है, ये पहले तो आप पॉज करके क्वेश्चन को कॉपी कर लो अपनी नोटबुक में, फिर हम लोग लिखते हैं। सिद्ध कीजिए कि बल संरक्षी बल है, प्रूव दैट फोर्स दिस वन इज कंजर्वेटिव फोर्स, ये प्रूव करना है कि ये कंजर्वेटिव फोर्स है। तो कंजर्वेटिव फोर्स कब प्रूव होगा, अगर हम लोग इसका कर्ल कैलकुलेट कर ले, फोर्स का कर्ल, कर्ल का मतलब होता है डेल क्रॉस एफ, अगर ये कैलकुलेट कर लूँ और अगर ये जीरो के बराबर आ जाए, अगर ये जीरो के बराबर आ गया तो ये संरक्षी बल होगा, ऐसा हम लोग जानते हैं। तो इसका कर्ल कैलकुलेट करके देख लो, कर्ल अगर जीरो के बराबर आ गया इसका मतलब ये संरक्षी बल होगा, इट विल बी ए कंजर्वेटिव फोर्स, करके देखिए। चलो स्टार्ट करते हैं। तो ये है वाई जेड एक्स जेड एक्स वाई, ठीक है, चलो हम लोग करते हैं। तो ये देखो, मैंने जो क्वेश्चन लिया है ये आपके जो बुक्स चलते हैं उन्हीं में से किसी एक बुक में से उठाया है, तो आप भी और न्यूमेरिकल भी ट्राई कर सकते हो, ऐसी बात नहीं। न्यूमेरिकल कितने करे हैं ये मैटर नहीं करता, न्यूमेरिकल की अप्रोच सीखना है आपको, मतलब कैसे करते हैं उसको, ठीक है। तो देखो, वो जो है उसको मैं एग्जाम्पल ले लो या क्वेश्चन ले लो, इसमें है जो है क्या है, फोर्स गिवन है अपने को, है ना, बल्ब दिया हुआ है, एफ वेक्टर जो है वो है वाई जेड आई के प्लस एक्स जेड जे के प्लस एक्स वाई के कैप, ऐसा ही है, वाई जेड आई कैप एक्स जेड और एक्स वाई के कैप, ये ऐसा है। तो ये फोर्स है, इसका मुझे क्या करना है, संरक्षिबल है कि नहीं, कंजर्वेटिव फोर्स है कि नहीं, ये पता करना है। तो मैं कर्ल कैलकुलेट कर लेता हूँ, इसका कर्ल ऑफ एफ वेक्टर, कर्ल का फॉर्मूला होता है डेल क्रॉस एफ वेक्टर, और डेल जो होता है डेल वेक्टर वो होता है डेल बाई डेल एक्स आई के प्लस डेल बाई डेल वाई
जे के डेल बाई डेल जेड के ये होता है, ये होता है। चलो ये डेल का वैल्यू होता है, तो मैं डेल क्रॉस एफ अगर कैलकुलेट करूँ, डेल क्रॉस एफ, तो इसका मतलब हो गया मैं क्रॉस प्रोडक्ट कर रहा हूँ, तो क्रॉस प्रोडक्ट कर रहा हूँ तो ये हो जाएगा आई का हो जाएगा वाई जेड, जे के साथ में एक्स जेड, एक्स वाई। क्रॉस प्रोडक्ट करना तो आता ही ना, वज्र, सॉरी क्या बोलते हैं उसको, सदिश गुणनफल। ये हो गया, सॉरी मैंने गड़बड़ लिख दिया, हम कर रहे हैं डेल क्रॉस एफ, तो ये ऊपर तो डेल का आएगा, डेल बाई डेल एक्स, डेल बाई डेल वाई, डेल बाई डेल जेड। ये आ गया डेल का, डेल के आई जे और के कंपोनेंट्स आ गए, अभी एफ के कंपोनेंट्स लिख दिए मैंने, इसका क्रॉस प्रोडक्ट कर लो। वैसे प्रूव करना है तो हमारे को पता है कि इसका क्रॉस प्रोडक्ट जीरो आएगा, तो बस कर लो। तो क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करोगे, देखो मैं बताता हूँ एक करके। आई के होगा तो ये इसके साथ में, ये इसके साथ में, ये इसके साथ में, मतलब वाई के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन होगा, वाई के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन होगा, किसका डिफरेंशिएशन, एक्स वाई का, माइनस इसका जेड के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा एक्स जेड का, ठीक है। फिर माइनस जे केप, माइनस जे केप, माइनस जे केप में ये, तो ये आएगा एक्स के डेल बाई डेल एक्स, एक्स वाई, माइनस ये आएगा डेल बाई डेल जेड वाई जेड, ठीक है। प्लस के केप, के केप के साथ में ये आएगा डेल बाई डेल एक्स, एक्स जेड, माइनस डेल बाई डेल वाई, वाई जेड। ये तीन टर्म्स आएंगे। अब देखो जहाँ पे वेरिएबल एक से ज़्यादा होते हैं, एक से ज़्यादा चर राशियाँ होती है, जैसे यहाँ पे चर राशियाँ वेरिएबल है एक्स वाई जेड, तो एक्स वाई जेड है, तो यहाँ पर जब डिफरेंशिएशन होता है, अवकलन होता है, तो ये पार्शियल डिफरेंशिएशन हो जाता है। पार्शियल डिफरेंशिएशन का मतलब आंशिक अवकलन। तो आंशिक अवकलन होता है, तो इसमें एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हो तो वाई और जेड को कांस्टेंट मानना है, वाई के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो एक्स और जेड को कांस्टेंट मानना है, और अगर जेड के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो एक्स वाई को कांस्टेंट मानना है। एक वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हो ना, तो दूसरे दो को कांस्टेंट लेना है, ये हमेशा ध्यान रखना। पार्शियल डिफरेंशिएशन अगर आपने पढ़ा हो, जहाँ पे भी या पढ़ोगे वहाँ पे ये चीज़ आप पढ़ोगे, तो ये मैथमेटिक्स का रूल है, ये ध्यान रख लेना, फिजिक्स में थोड़ा सा काम में आ रहा है, इसलिए मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ इसको। अब देखो इसको आगे सोल्व करो, यहाँ पर y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा, y के रिस्पेक्ट में x तो कांस्टेंट है, तो x तो आ जाएगा बाहर, x आ गया बाहर, y का डिफरेंशिएशन होगा तो y के रिस्पेक्ट में y का 1 हो जाएगा, 1 माइनस, यहाँ पे z के रिस्पेक्ट में करूंगा तो x तो कांस्टेंट है, x तो आ जाएगा बाहर, और z का हो जाएगा 1 माइनस j के, यहाँ पर x के रिस्पेक्ट में करूंगा तो y तो है कांस्टेंट, तो y तो आ गया बाहर, और x का हो जाएगा 1 माइनस, यहाँ पर z के रिस्पेक्ट में करूंगा तो y तो आ जाएगा बाहर, और z का हो जाएगा 1 प्लस k के, यहाँ पर x के, यहाँ पे क्या है, ये x है ना, सीरियसली ये x ही है, x के रिस्पेक्ट में करूंगा, z तो बाहर आ जाएगा, z बाहर आ जाएगा, x का हो जाएगा 1 माइनस, यहाँ पे y के रिस्पेक्ट में करूंगा, z बाहर आ जाएगा और y का हो जाएगा 1, ये बच गया। अब देखो ये सब कैंसिल आउट हो रहा है, x x से कैंसिल आउट हो गया, y से y कैंसिल आउट हो गया, z से z कैंसिल आउट हो गया, तीनों टर्म कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा अपने पास में, अपने पास में जीरो बच गया, और ये जीरो क्या आया, डेल क्रॉस f, डेल क्रॉस f का मतलब हो गया कर्ल ऑफ f वेक्टर क्या हो जाता है, कर्ल ऑफ f वेक्टर जीरो आ गया, और किसी भी फोर्स का अगर कर्ल जीरो आ जाता है, अगर कर्ल का मान जीरो आता है, कर्ल का वैल्यू जीरो होता है, तो वो जो बल होता है वो संरक्षी बल होता है, कंजर्वेटिव फोर्स होता है, चमका। तो ये यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिख देना है कि यदि किसी बल का कर्ल का मान शून्य होता है, किसी फोर्स का कर्ल अगर जीरो है, तो दैट फोर्स विल बी कंजर्वेटिव, वो फोर्स कैसा, वो बल कैसा होगा, संरक्षी बल होगा, ये पता है। तो अपने को इसका क्रॉस प्रोडक्ट करके देखना था, तो जहाँ पे भी अपने को संरक्षी है कि नहीं, कंजर्वेटिव है कि नहीं, ये पूछे या प्रूव करना हो, तो अपने को क्या कैलकुलेट करना है, अपने को कर्ल कैलकुलेट करना है, कुल मिला के बात ऐसी, चमका। न्यूमेरिकल को रटना नहीं है, मेथड समझना है, सीखना है अपने को, ठीक है, अप्रोच आनी चाहिए कि क्या करने वाले हैं, क्या पूछा गया है, उसके अकॉर्डिंग चलना है, हो गया। तो इस टाइप का कोई भी न्यूमेरिकल आप कर पाओगे ना, ठीक है। चलो इसको यहीं पे छोड़ देते हैं, ये न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गया, इसको आप कर लेना, जिसने कॉपी नहीं किया है पहले खुद ट्राई कर लेना, मेथड सीख लिया आपने,
अब ये मैं इसको यहीं पे छोड़ देता हूँ, ठीक है। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल की बात करते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल पहले ये न्यूमेरिकल ले लेते हैं। देखो, किसी पिंड पर लगने वाले बल के लिए एक्स वाई जेड, चलो पहले वाला वो ले लेते हैं, वो इससे उससे रिलेटेड ये था कि दोनों साथ में हो जाए। देखो कितने, सॉरी ये तो नेक्स्ट चैप्टर का आ गया। एक सेकंड, ये रहा। देखो इसमें पहले तो क्या है न्यूमेरिकल, क्या बोल रहा, सिद्ध कीजिए कि, पहले हिंदी में है इंग्लिश में दोनों, जिनका भी जो भी मीडियम है उसके हिसाब से पहले पोज करके क्वेश्चन को कॉपी कर लो आप, है ना, फिर हम लोग डिस्कस करते हैं। तो देखिए, सिद्ध कीजिए कि एफ वेक्टर संरक्षिबल है, ये प्रूव करना है कि ये कैसा संरक्षिबल है। प्रूव दैट फोर्स दिस वन इज कंजर्वेटिव फोर्स, ये कैसा है कंजर्वेटिव फोर्स है, ये संरक्षिबल है, ये प्रूव करना है। पहला पार्ट तो ये है इसके अंदर, मतलब पहला स्टेटमेंट तो ये है, इसको प्रूव करना है। तो प्रूव तो कर सकते हैं ना, अभी हमने किया है, उस तरीके से आप इसका कर्ल कैलकुलेट करो। देखो मैं तरीके सिखाऊंगा आपको, मैं रटना सिखाऊंगा नहीं, तो आप तरीके सीखो, डेल क्रॉस एफ कैलकुलेट करो इसको, और प्रूव करना है तो इसका मतलब है कि ये जीरो के बराबर ही आएगा, तो इसको कैलकुलेट करके देख लो, इसके जीरो के बराबर आएगा, इसका कर्ल कैलकुलेट करो, जीरो के बराबर आएगा और प्रूव हो जाएगा कि संरक्षिबल है। मेथड मैंने लास्ट क्वेश्चन में सिखा दिया, आना चाहिए आपको, ठीक है। फिर भी किसी को कोई डाउट हो तो मुझसे पूछे, लेकिन अभी मैं बार बार वही चीज नहीं सिखाऊंगा, कुछ नई चीज सीखते हैं हम लोग। ये तो सीख लिए ना कि संरक्षिबल का कर्ल जो है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो इसका कर्ल कैलकुलेट कर लो, कर्ल जीरो आएगा, इसलिए ये संरक्षिबल होगा, कंजर्वेटिव फोर्स होगा, ठीक है। ये अगर कर्ल जीरो नहीं आता तो फिर वो संरक्षित नहीं होता, कंजर्वेटिव नहीं होता, और यहाँ तो प्रूव करना है, इसका मतलब ये है कंजर्वेटिव ही है, संरक्षिबल है, ये पहले दिया गया है, ठीक है। अब चलो आगे क्या पूछ रहा है, आगे पूछ रहे हैं बल का विस्थापन ऊर्जा फलन, विस्थापन ऊर्जा फलन, ये विस्थापन नहीं है, स्थिति जाएगा यहाँ पे, स्थिति ऊर्जा फलन आएगा। विस्थापन ऊर्जा क्या होती है, स्थिति ऊर्जा आएगा, स्थिति ऊर्जा फलन। फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन ऑफ द अबाउ फोर्स, पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन कैलकुलेट करना है। पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन कैलकुलेट करने का मतलब है यू कैलकुलेट करना है अपने को, एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी यू का फंक्शन कैलकुलेट करना है, फोर्स पता है यू कैलकुलेट करना है, आगे बात समझ करें, चलो यू कैलकुलेट करते हैं। हाँ यू कैलकुलेट करते हैं उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। पहले तो आप डेल करो कर्ल ऑफ एफ वेक्टर कैलकुलेट कर लेना, डेल क्रॉस एफ वो जीरो के बराबर आएगा, और जीरो के बराबर आएगा तो संरक्षित हो जाएगा, तो पहले वो कैलकुलेट कर लेना आप, ठीक है, पहली चीज। तो फिर इसका फर्स्ट पार्ट करेंगे, फर्स्ट पार्ट में अपने को क्या पूछा है, यू पूछा है कि यू का फंक्शन कैलकुलेट करना है, तो पहले एफ देखता हूँ मैं, एफ क्या दिया है, एफ दिया हुआ ये, एफ दिया हुआ है ये, एक सेकेंड, एफ जो दिया हुआ है, एफ एफ है ये, एफ ये है, इसको मैं थोड़ा सा ठीक से दिखे तो इस लैंग्वेज में लिख लेता हूँ। f का वैल्यू है 2xy plus z square i cap plus x square j cap plus 2xz k cap। मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, इसका कोई सीन नहीं है यहाँ पे। ये f गिवन अपने को, u पूछा गया है ना, पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन पूछा है, u f गिवन है, फोर्स का मान गिवन है अपने को। अब फोर्स का वैल्यू गिवन है तो फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी में कोई ना कोई रिलेशन है, बिल्कुल है। क्या होता है, ऐसा होता है जो होता है, पोटेंशियल एनर्जी और फोर्स में एक रिलेशन पढ़ा था हमने, और वो ये रिलेशन पढ़ा था कि एफ वेक्टर जो होता है वो होता है माइनस डेल यू, ऐसा होता है, या मैं इसको ऐसे भी बोल सकता हूँ कि एफ वेक्टर जो होता है माइनस डी यू बाई डी आर, ऐसा भी होता है। तो डी यू जो होता है वो होता है, डी यू जो होता है एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, ऐसा भी आ सकता है, डी यू को रख लिया डी आर को इधर ले गया, तो यू जो होता है नेगेटिव भी है, सॉरी नेगेटिव, माइनस एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर,
ये भी हमने पहले ये फॉर्मूला भी पढ़ा पोटेंशियल एनर्जी का, ये फॉर्मूला देखा है कि यू जो होता है वो इस तरीके से भी आता है, यू इजिक्वल्स टू माइनस एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। तो पोटेंशियल एनर्जी का ये भी अपने को एक पता है कि ये इस तरीके से भी आ सकता है, पोटेंशियल एनर्जी को ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन के टर्म्स में ऐसा आ जाएगा, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं फोर्स को पोटेंशियल एनर्जी के टर्म में, ये पोटेंशियल एनर्जी को फोर्स के टर्म में, ये ध्यान रख लेना जिसको नहीं पता है ऐसे। अब एफ का पता है अपने को, एफ का वैल्यू यहाँ रख देना, डी आर का रख देना, यू मिल जाएगा अपने को। देखो करते हैं इसको कैसे, अपने को पता है आर वेक्टर क्या होता है, आर वेक्टर होता है एक्स आई के वाई जे के जेड के के। तो डी आर वेक्टर जो होता है वो होता है डी एक्स आई के डी वाई जे के और डी जेड के के, ये होता है, ये पहले थ्योरी के अंदर मैंने बताया है वैसे। अब देखो डी आर का वैल्यू यहां पे पुट करो, एफ का वैल्यू यहां पे पुट करो, तो इसको इक्वेशन नंबर वन बोल दो, इसको इक्वेशन नंबर टू बोल दो, इसको इक्वेशन नंबर थ्री बोल दो। तो थ्री और वन से एफ और डी आर का वैल्यू टू में पुट कर देते हैं, तो वन टू थ्री से बात करते हैं हम लोग। तो बाई वन टू थ्री बाई इक्वेशन वन टू एंड थ्री, देखो u जो आएगा u इक्वल टू माइनस f, f वेक्टर का वैल्यू, f वेक्टर जो ये है, मैं यहाँ से कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ, ये एक सेकंड, ये f वेक्टर है, ठीक है, ये f वेक्टर है, और dr लिख दूँ यहाँ पे, dr है dx i के डी वाई जे के डी जेड के केप, ये है। अब देखो इनका डॉट प्रोडक्ट हो रहा है, एफ वेक्टर और डी आर का डॉट प्रोडक्ट हो रहा है, तो आई आई वाले के साथ में, जे जे वाले के साथ में, के वाले के साथ में डॉट प्रोडक्ट होगा, तो ये आएगा यू माइनस, तो बाहर ही इंटीग्रेशन, आई आई वाले के साथ में मल्टीप्लाई होगा, तो टू एक्स वाई प्लस जेड स्क्वायर और ये डी एक्स आ जाएगा, प्लस जे जे वाले के साथ में तो एक्स स्क्वायर डी वाई प्लस के के वाले के साथ टू एक्स जेड डी जेड, ठीक है, ये मिला। अब आगे देखो इसको आगे बात करें, इसमें समझना आप, यू जो है वो आगे माइनस, ये है टू एक्स वाई, ये डी एक्स के साथ आएगा, ठीक है, ये dx के साथ आएगा, इसके साथ में z स्क्वायर के साथ में भी dx आएगा, तो z स्क्वायर के साथ में भी dx आएगा, और ये टर्म मैं पहले लिख लेता हूँ, इसको पहले लिखने का भी लॉजिक समझ में आ जाएगा, पहले क्यों लिख रहा हूँ, प्लस में ही तो है, किसको पहले लिखो किसको बाद में लिखो क्या फर्क पड़ता है, इससे दो टर्म मिल रहे हैं, एक तो 2xy dx, ये एक z स्क्वायर dx, वो यहाँ लिख दिया, इसको पहले लिख दिया मैंने, एक है 2xz dz, ये चार टर्म है। अब इन चार टर्म्स को देखो मैं एक अलग वे में लिख रहा हूँ, जो भी समझना इसका कुछ जुगाड़ बनाना पड़ेगा अपने को, और इस जुगाड़ को समझना, ये जो दोनों टर्म है मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ, कैसे, अभी शायद ऐसा पैटर्न आपने पहले देखा नहीं होगा, लेकिन मैथमेटिक्स पढ़ोगे ना, पार्शियल डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के जब रूल्स पढ़ोगे वहाँ पर इस टाइप की बहुत सारी चीज़ें करोगे आप मैथमेटिक्स में, बीएससी की जो मैथमेटिक्स है उसमें डिटेल में आएगा, लेकिन वो चीज़ें यहाँ पर अप्लाई हो रही है इसलिए मैं सिखा रहा हूँ, डिटेल में नहीं पढ़ेंगे हम, थोड़ा सा लॉजिक पढ़ेंगे इसका। देखो इसको मैं ऐसे लिख दूं, d ऑफ x स्क्वायर y, इस d का मतलब है डिफरेंशिएशन, मतलब अवकलन, मतलब इस अवकलन करना है इन दोनों का, इसको वापस से ओपन करूंगा, तो कैसे ओपन करते हैं, जैसे एक बार x स्क्वायर का अवकलन कर लो, एक बार y का अवकलन कर लो, एक बार x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, एक बार y का, कैसे, जैसे एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करूं, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करूं तो वाई को तो बाहर ले लो, वाई को बाहर ले लिया, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन किया तो टू एक्स, ये तो एक्स स्क्वायर का हो गया, फिर एक्स का डी एक्स, ये तो एक्स स्क्वायर का हो गया, प्लस अब करना है मुझे वाई का, तो वाई का करना है तो एक्स स्क्वायर को साइड में ले लिया, वाई का करना है तो डी वाई, तो ये दो टर्म मिलते हैं इसको ओपन करने पर, इसको इस तरीके से ओपन करते हैं, तो ये दोनों टर्म, ये दोनों टर्म ही तो है 2xy dx प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई, इसका मतलब है इसको ओपन करने पे ये मिल रहा है, इसका मतलब है कि इन दोनों को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ऐसे लिखा जा सकता है इन दोनों को, ठीक है, आई बात समझ, क्लियर है।
अरे ठीक है ना, ठीक है ना। अब चलो, तो इसका मतलब है कि इसको इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको भी ऐसे लिख सकते हैं, डी इन दोनों को भी, जेड स्क्वायर एक्स इन दोनों को भी ऐसे लिख सकता हूँ। इन दोनों को ओपन करूंगा तो ये दोनों टर्म मिल जाएंगे, तो इन दोनों को ऐसे लिख सकता हूँ। डी का मतलब है डिफरेंशिएशन, अवकलन, और इसका मतलब है इंटीग्रेशन, समाकलन। अब देखो, आपने ये पढ़ा होगा ना कि इसका मेरे को समाकलन करना है, इंटीग्रेशन करना है, तो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन से कैंसिल आउट हो जाता है। समाकलन अवकलन एक दूसरे को कैंसिल आउट करते हैं, किसी भी चीज़ का समाकलन करके अवकलन करते हैं तो वापस वहीं पे पहुंच जाते हैं, या अवकलन करके समाकलन करते हैं तो वापस वहीं पे पहुंच जाते हैं। इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन एक दूसरे का उल्टा प्रोसीजर होता है एक तरीके से समझो तो इंटीग्रेशन करके डिफरेंशिएशन कर लोगे तो वापस जहां से चले थे वहीं पर पहुंच जाओगे। तो आप इस इंटीग्रेशन करोगे इसका, तो डिफरेंशिएशन कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा एक तरीके से, ये डिफरेंशिएशन हट जाएगा, ये बचेगा इसका इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर वाई, ये बचेगा, और इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, सॉरी इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ये इंटीग्रेशन इस डिफरेंशिएशन से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बचेगा जेड स्क्वायर एक्स, ये दो चीजें मिली, तो यू जो आया वो आ गया माइनस का आ गया, ये माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस जेड स्क्वायर एक्स, ये पोटेंशियल एनर्जी आ गई आपके पास में। ये है स्थितिज ऊर्जा का जो फंक्शन था ना, फलन पूछा था पोटेंशियल एनर्जी का, ये पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन आ गया। वैसे तो ये डिफिकल्ट नहीं होता, डिफिकल्ट है भी नहीं, बस ये थोड़ा सा ये मैथमेटिकली लॉजिक लगाना पड़ेगा ये, और ये लॉजिक आप जब मैथमेटिक्स अच्छे से सीखोगे ना तभी आप इसको सीख पाओगे, इतनी ज़्यादा डिफिकल्ट आता नहीं ये। फिर भी मैंने बता दिया है कि इस तरीके की चीज़ें हैं, क्योंकि इस टाइप का कुछ आया हुआ है भी पहले, तो ये आपको आना चाहिए, ठीक है ना, इससे डिफिकल्ट नहीं आएगा कोई भी। क्लियर है? ये सर पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी थी, सिंपल सा इंटीग्रेशन करना था, लेकिन ये इंटीग्रेशन अलग टाइप में चला गया और इस तरीके से हमने कर दिया इसको। क्लियर? ठीक है, ये हो गया। अब आगे बात करते हैं, आगे बात करें, वन सेकेंड, थर्ड पार्ट, इसका थर्ड पार्ट, द वर्क डन एक सेकेंड, थर्ड पार्ट क्या, एक तो ये हो गया था, एक ये हो गया जिसको पहला पार्ट बोल रहे थे, अभी सेकेंड पार्ट की बात करते हैं। द वर्क डन टू डिस्प्लेस ए पार्टिकल फ्रॉम पॉइंट 0122 टू 0527, किसी कण को बिंदु 0122 से 527 तक विस्थापित करने में किया गया कार्य, कार्य कैलकुलेट करना है, वर्क डन कैलकुलेट करना है, तो उसी फोर्स को लगा के वर्क डन कैलकुलेट करना है। तो वर्क डन कैलकुलेट कैसे करें, वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन का फॉर्मूला ऐसे होता है, W इक्वल टू F वेक्टर डॉट DR वेक्टर, मान लो A पॉइंट से चल के हम लोग B पॉइंट पे पहुंच गए तो ऐसा होता है, ठीक है, आई बात समझ में। F वेक्टर DR वेक्टर दोनों अपने को पता है, अभी तो कैलकुलेशन किया है ऐसा, पहले वाले पार्ट में इस पार्ट में क्या डिफरेंस है, पहले वाले पार्ट में भी देखो अंदर तो ये था एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, एफ वेक्टर डॉट डी आर बस माइनस था बाहर, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी अलग कुछ कैलकुलेट कर रहे थे, यहाँ पे माइनस था, अंदर तो सब कुछ सेम था, तो अंदर वाला तो सब कुछ सेम ही चलेगा, तो अंदर वाला सब कुछ सेम चलेगा तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, अंदर एफ और डी आर के दोनों के वैल्यू पुट करते तो लास्ट में जाके अपने को ये मिलता था, एक तरीके से बात करें तो अंदर डी एक्स स्क्वायर वाई प्लस डी जेड स्क्वायर एक्स ये मिला था। तो इसको जब कैलकुलेट किया तो इसके अंदर जो जाके मिला वो मिला था एक्स स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर जेड प्लस डी जेड स्क्वायर, ये था क्या, एक्स स्क्वायर वाई है जेड स्क्वायर एक्स है, एक्स स्क्वायर वाई है जेड स्क्वायर एक्स है, ये मिला था, ये मिला मुझे, ठीक है ये मिला। अब देखो यहाँ पे ए और बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स भी गिवन अपने को, और कोऑर्डिनेट्स जो है वो क्या है, 012 है शायद, देख दो जो कोऑर्डिनेट्स है वो है 012 और ये 527, तो 012 527, तो इसका मतलब है ये कहाँ से लेके गए हम लोग, 012 से और 527 तक लेके गए, ठीक है। अब देखो अंदर का तो ये पहले मैंने समझा दिया था ना, पहले वाले से ही उठाया मैंने, अब देखो इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं हम लोग, अब इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन से डिफरेंशिएशन कैंसिल आउट हो गया, तो
मतलब इसका इंटीग्रेशन जो आएगा वो आएगा अंदर वाला एक्स स्क्वायर वाई, क्योंकि इंटीग्रेशन करेंगे तो ये डी हट जाएगा, डी अवकलन को पता था, डिफरेंशिएशन को इंटीग्रेशन कैंसिल आउट करते हैं, क्या बचेगा एक्स स्क्वायर वाई, और यहाँ पे क्या बचेगा जेड स्क्वायर एक्स, और ये बचा इसमें लिमिट लगा दो आप, लिमिट है अपने पास में 0, 1, 2 इस पॉइंट से 5, 2, 7, ये किसके कोऑर्डिनेट्स है ना एक्स वाई और जेड के वैल्यू चाहिए, एक्स वाई और जेड के वैल्यू चाहिए, तो वैल्यू पुट करो, x का वैल्यू यहाँ पे पुट करो 5 पुट करूँगा तो 5 का स्क्वायर होगा 25 इंटू वाई, वाई है 2 तो 2 आ जाएगा, प्लस जेड स्क्वायर, जेड जेड है 7, 7 का स्क्वायर होगा मतलब 49 इंटू एक्स, एक्स है 5, ये हो गया माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स का वैल्यू है 0 तो x का वैल्यू है 0 तो 0 हो जाएगा, प्लस जेड स्क्वायर एक्स, यहाँ पे भी x रखेंगे तो वो भी 0 हो जाएगा, तो ये भी 0 हो जाएगा, तो ये बचा, ये बचा 50 और ये बचा, ये 250 में से 5 कम किया तो 245, तो ये कितना आया 295, ये वैल्यू मिला, ये वर्क डन मिला तो जूल में मिलेगा, ये जूल में ये कार्य मिल गया अपने को, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, अपने को वर्क डन पूछा है, बस ये किया, अंदर वाला तो वो सब कुछ पहले कर रखा था हमने, सेम कैलकुलेशन था तो मैंने डायरेक्ट उठा के रख दिया, ठीक है। ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी के लिए, एक सेकंड, इसको हम लोग कोई दूसरा पैटर्न भी यूज कर सकते हैं क्या, एक सेकंड, अगर मैं एक दूसरा अगर पैटर्न, ये हो गया अपना एक तरीका हो गया इसका, मैं दूसरा पैटर्न देख रहा हूँ अगर कुछ मिल सकता है क्या, 2 चलो ये कंप्लीट हो गया, यही है जो किया है हमने, ठीक है। ये मैं अभी इसी की बात करेंगे हम लोग, ये कंप्लीट हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, ये जो है ठीक है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं हम लोग, कंप्लीट हो गया, एक बार टाइम देख लूँ फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग, एक मिनट बचा है तो नेक्स्ट क्वेश्चन को मैं इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, सॉरी नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा उसके अंदर हम लोग पिछला वाला जो चैप्टर था, सेकंड चैप्टर जिसके न्यूमेरिकल हमने करे नहीं थे, उसके भी कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, फोकॉल्ड पेंडुलम से रिलेटेड एग्जाम में जो जनरली आ जाते हैं वो भी पढ़ेंगे, और इस चैप्टर का एक न्यूमेरिकल और करेंगे, फिर न्यूमेरिकल कंप्लीट हो जाएगा, यूनिट फर्स्ट का पैकअप हो जाएगा, यूनिट फर्स्ट कंप्लीट कर देंगे हम लोग, ठीक है। तो ये नेक्स्ट चैप्टर के अंदर ही कर पाएंगे, सॉरी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर ही कर पाएंगे हम लोग, तो ये नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कुछ न्यूमेरिकल करेंगे पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड, फिर फोकॉल्ड पेंडुलम से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल करेंगे, फिर फिनिश हो जाएगा, ठीक है। चलो ठीक है, इसको यहीं पे फिनिश करते हैं।